आ चुका है। अच्छा डिस्काउंट के बाद क्या फेयर होगा कराची से रोड़ी? एयर स्लीपर यानी कि ऐसी स्लीपर की सहूलत इसमें मौजूद है। ये जा रही है जी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस और ये हमें तंग करेगी। इसका भी कराची से निकल रोड़ी से निकलने के बाद नवाबशाह स्टॉप है और नवाबशाह के बाद हैदराबाद, तो देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रेलवेज की शान और रोड़ी जंक्शन की शान रिजवान ताहिर साहब। आप इनका चैनल हमेशा देखते आ रहे हैं और आइंदा के लिए भी फॉलो करें रिजवान ताहिर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ, ठीक हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कल बहुत ही गनीमत से इनसे मुलाकात हो गई और बहुत मज़ा आया इनसे मिल के, और इनको पता नहीं मुझसे मिल के आया नहीं आया, वो अलग बात है। खैर ऐसी बात नहीं है, आप आए और अच्छी कंपनी करी, काफ़ी मज़ा आया सदीक साहब के साथ से आपके। बिल्कुल, तो और सुनाएं आज कहाँ की तैयारी है? आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह सर सैयद एक्सप्रेस लेके कराची से एग्जाम। बिल्कुल भाई, एक लेजेंडरी ट्रेन दोबारा बहाल कर दी गई है और उसको रिजवान ताहिर साहब दूसरे दिन उसको लीड करेंगे कराची तक थ्रू आउट ML1। और भाई क्या ख्याल है कि ये 16 डाउन जो खड़ी हुई है ये हमें तंग करेगी? हाँ ये तो हमें तंग करेगी, हम नवाबशाह में तो खड़े होंगे, वैसे हमारी ट्रेन का तो स्टॉप नहीं है, मगर नवाबशाह ये ट्रेन इस ट्रेन की वजह से हमें रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ओवरटेक नहीं करेंगे हम, ये भी नॉन स्टॉप ट्रेन है। पर हम तो बिल्कुल ही नॉन स्टॉप है ना। हाँ मगर वो मुझे है ना आइडिया, उसको नहीं कराएंगे ओवरटेक। और कुछ कॉशन भी आएंगे तो इसको मद्देनजर रखते हुए चलना होगा साथ साथ। हाँ कॉशन का भी है। तो मौसम काफ़ी ह्यूमिड है आज तो यार, गर्मी बहुत हो रही है, अब पसीने बहुत आ रहे हैं और अब कराची जाने पर खैर से जाएँ, इंशाल्लाह आपके साथ साथ ही हम भी।
तो चलते फिर मिलते आगे तक आपसे, ठीक है, आपके साथ साथ। एसी स्लीपर का आपको दिखा दें, 36 राउंड सर सैयद एक्सप्रेस का। तो सबसे पहले मार्शलिंग आर्डर आप देख लें कि पहले पावर वैन है लोकोमोटिव के बाद, फिर एसी स्लीपर। सर सैयद चल के आपको रिव्यू करा दें इसका। सबसे पहले घुसते ही वाटर डिस्पेंसर की सहूलत मौजूद है और सबसे एक लग्जरी कोच है पाकिस्तान में। पहला कैबिन है, यहाँ पे आपके नाम की चिट लगी होती है, जो फ़िलहाल अभी किसी का नाम नहीं है तो नहीं लगी हुई। अंदर चलते हैं, चार लोगों का कैबिन है ये, 4 पर्सन। सबसे पहले तो घुसते ही भाई यहाँ पे दो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, चार लोगों का कैबिन है, जिस तरह एक ऊपर बंदा बैठ जा सकता है, एक नीचे और इसी तरह एक यहाँ और एक यहाँ। तो और LED लगी हुई है आपको प्रोवाइड की हुई है, एक और गद्दा दिया हुआ है आपको, चाहे बच्चे यहाँ सुला सकें। लाइट वगैरह का सब कुछ सिस्टम ऑन है और इसके अलावा पंखे लगे हैं भाई। और सबसे मेन बात, इसमें आपको अपना खुद का टॉयलेट मिलता है कैबिन का, और टॉयलेट आप देख लें तो बैतुल खुला। और यहाँ तो आप अपना लगेज रख सकते हैं और ब्लैंकेट दी हुई है, एसी ब्लैंकेट जो स्पेशली एसी के लिए होती है, और ये ज़बरदस्त सिस्टम है। और कुशन है तकिए, और एक चादर लगाई हुई है वाइट भाई, ये अभी के लिए तो सही है, पर रास्ते में आगे जाकर अक्सर ये गंदी हो जाती हैं, जैसा ग्रीन लैंड में हुई है, तो उसको धुलाया नहीं गया और फिर उसका यही हाल हुआ। जैसे कि बाहर का वॉक करने का डिस्टेंस अभी किसी ने अंदर बुक करवाया है, तो ये अब्दुल रहमान अरशद के नाम से बुक है, ज़बरदस्त भाई। एसी स्टैंडर्ड का आपको रिव्यू कराते हैं। सबसे पहले तो अंदर घुसते ही तो हॉर्न भाई आज तो कैपेसिटी फुल है, दूसरा दिन है और लोग ठीक हैं। इसमें अंदर का आपको दिखा देना क्योंकि पूरी पूरी फैमिली बैठी है, सुबह सुबह का टाइम डिस्टर्ब करना सही नहीं है। यहीं से आप देख लें कि माहौल ज़बरदस्त है और सफाई सुथराई की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल ये कुछ सीन है, और ये वही है डाइनिंग कार जो कराची से लगा के भेजी गई थी। एक यहाँ का काउंटर है, यहाँ पे आप आके कोई चीज़ बोल सकते हैं और यहाँ पे आपको आके सर्व कर दी जाएगी अपने अपने टेबल्स पर। इंशाल्लाह आएंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ पे आगे चाय भी हैं। और अभी आई है 26 डाउन बाउदन जिक्री एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इकॉनमी की सूरत हाल दिखाते हैं आपको, जिसमें हमने ट्रैवल करना है आज 36 जोन की। CNR कोच है और फिलहाल उसके सामने पूरी खाली दिख रही है, और कोई खाली जगह दिखती है तो उसको आपको रिव्यू कराते हैं। सब सो रहे हैं, ओहो ये देखें, यहाँ का शीशा टूटा हुआ है और इसकी पता नहीं क्या वजह बनी होगी। क्या हुआ ये वो नीचे किया टूट गया और क्या? अच्छा नीचे का टूट गया, फंस गई होगी कहीं, भाई देख लें कितना कहाँ। यहाँ पे उनको बुलाएं ना, हमले को बुलाएं। दोस्तों सुबह को उजाला हो चुका है और 36 जोन सर सैयद एक्सप्रेस की एक इकोनॉमी क्लास की कोच, जो उसका शीशा जो है टूट चुका है, पता नहीं कैसे टूटा है, देखें आप, बहुत ही बुरी तरीके से बिल्कुल पैक हुआ वो होता है, तो उसकी वजह से एकदम जब खींचा है तो फिर वो आ गया नीचे। वो जो यहाँ पे मुसाफिर थे उन्होंने बताया किस तरह हुआ। खैर ये अमला इसको कोशिश करेगा इसको करने में आगे, और कोई जारी नुकसान कोई किसी को चोट वगैरह नहीं लगी। 8 नंबर डब्बा है, इसके अलावा आगे 7 और के बाद 7, 9, 10, 11 और हमारा आज जो हमें कोच मिला है CFI कोच है।
ले जी 5:55 पर ट्रेन ने डिपार्चर विसल कर दिया और रोड़ी जंक्शन से तकरीबन आधा घंटा लेट है। इंशाल्लाह रास्ते में टाइम कवर हो जाएगा। ये रही आज की हमारी कोच CFI। सबसे पहले तो आप देख लें वॉशरूम्स कंडीशन क्या है। लोटा रखा हुआ है पानी का, पानी आ रहा है क्योंकि टाइट है इस वजह से, तो सही है, वॉशरूम साफ है। और कोच की तरफ चलते हैं तो ये आज की हमारी कोच है, पूरी खाली है, इसमें सिर्फ मैं ही हूँ, नहीं कुछ और भी लोग हैं तो वो सो रहे हैं। वो इसी के ही लॉस एंजेलिस के ही बंदे हैं। आज की हमारी कोच CFI और मिट्टी देखें कितनी लगी हुई है, सारे में मिट्टी देखें भाई बहुत ज़्यादा है। और ये डिपार्ट हो गया फिक्स 6 बजे, रोड़ी जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन अपने स्टेशन यानी रोड़ी जंक्शन में छोड़ती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 बल्कि, और सुबह का उजाला भी हो चुका है और रास्ते में देखते हैं 16 डाउन हमें कहाँ का तंग करती है। फैसलाबाद से अटैच हुआ था, ट्रिपल 5 दोनों प्राइवेट ट्रेन्स हैं पर कंपनी अलग अलग ही है, ये वाली राज लॉजिस्टिक और वो सामने एसएमएल। रोड़ी से निकलने के बाद इसका स्टॉप होगा हैदराबाद, हैदराबाद के बाद डायरेक्ट कराची यानी लांडी जंक्शन, उसके बाद रिंग रोड और फिर कैंट। टिकट चेक की जा रही है और रात लॉजिस्टिक का हमला आ चुका है। अच्छा डिस्काउंट के बाद क्या फेयर होगा कराची से रोड़ी? जो एक हफ्ते का डिस्काउंट है वो आपको पता है, सात दिन के बाद फिर 2100 रुपये हो जाएगा तो, और ग्रीन लाइन से उसके बराबर थोड़ा सा कम ज़्यादा ही है ग्रीन लाइन का।
तो खज्जी के बागात को चीरती हुई 36 राउंड सर सैयद एक्सप्रेस जो तकरीबन आधा घंटा ताखीर का शिकार है और हम मज़ीद पता नहीं देखते हैं कितना होगी क्योंकि यहाँ पे कॉशन है। और दोस्तों खैरपुर आ गया और यहाँ से बात शुरू करेंगे। 6:25 हो रहे हैं और खैरपुर शहर में दाखिल हो गए हैं।
रेलवे स्टेशन को पास शुरू कर रहे हैं। सात बज के 33 मिनट पे आप सक्कर एक्सप्रेस एचडी एमी 30 के साथ चाय भी आ गई 100 रुपए इसकी जो है प्राइस है, इसको पेस करते हैं। सही है, नॉर्मल है, मीठा भी सही है। यानी 10 पैसे में इसको अभी भी फिलहाल 4 रुपये 10 पैसे 4 रुपये वो आपके सामने है। चाय पी रहा था और इतने में एक स्टेशन आ गया, तो स्लो पास कर रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे रुका दिया गया बांदी पर, बांदी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हमें रुक दिए गए। और वजह है कि आगे 16 टाउन कराची एक्सप्रेस जा रही है, तो वो हमें थोड़ा तंग कर रही है इस वजह से।
ये है एसी स्लीपर। हमारा स्टॉप होगा क्योंकि आगे सोरा डाउन कराची एक्सप्रेस चल रही है, वो हमें काफ़ी तंग कर रही है, इस वजह से हमें रुक रुक के जाना पड़ रहा है। तो आई थिंक यहाँ स्टॉप करके निकलेंगे और हो सकता है कि हम लोग कहीं पे ओवरटेक कर दें, पर बहुत मुश्किल है। तो आप सभी मेन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म 1 पे रुक गए हैं और यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं, आगे सोलर डाउन कराची एक्सप्रेस चल रही है, जिसकी वजह से हम रुक रुक के चलेंगे हैदराबाद तक या टंडो आदम तक, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वे देना पड़ेगा। और टाइम हो रहा है इस वक्त 8:50, ट्रेन हमारी बिल्कुल राइट टाइम है। तो ये स्टेशन है नवाबशाह का। आज की पावर और हमारे रिजवान साहब असिस्टेंट ड्राइवर एक जनरल इलेक्ट्रिक की बहुत ही ज़बरदस्त ये पावर है जो आज हमें लीड कर रही है। पहले दिन भी इसने ही हमें लेके गई थी और आज भी। तो चलें बाकी बात आपसे आगे चल के करते हैं। राइट हो गया सैनिक कार में कराची। बिस्मिल्लाह। जैसा आपको बताया असिस्टेंट ड्राइवर ने कि आगे सोलर डाउन चल रही है और सोलर डाउन के पीछे पीछे हम, तो और हमारे पीछे 6 राउंड ग्रीन लाइन। ये अब आपको अंदाज़ा लगा लेंगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और दूसरा दिन है उसका, और सर सैद एक नॉन स्टॉप ट्रेन है, सोलर डाउन भी नॉन स्टॉप है। अगर इसे लगाना चाहते तो ये यहाँ पे भी इसको वे करवा सकते थे, लेकिन जो कंट्रोलर साहब को इस वक्त सही लग रहा है उनको सोलर डाउन बेहतर लग रही चलाना, तो फिर वो उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। चले खैर ये तो उतर रहता है, हम जैसे रेल फैंस इसको फेस कर लेते हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ये चीज़ नहीं समझ पाते और हमारा तो खैर ये काम है। खैर अभी नवाबशाह से निकल चुके हैं, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9 बजे ट्रेन डिपार्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमें टंडो आदम के करीब होना था,
जी उसके आसपास ही होते हैं, लेकिन अब थोड़ी हवा लगी है, वरना तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे इंटीरियर सिन में। कराची फिर भी ठंडा है। रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं 9:20 पर 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस। यहाँ पे हालिया बारिशों के दौरान काफ़ी पानी हो गया आ गया था और उसके बाद से यहाँ की स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़ा डाउन कराची एक्सप्रेस जा रही है, टाइम हुआ है 10:05। टंडवादम से लेके कराची हैदराबाद तक तकरीबन 1 घंटा लगेगा और उसके बाद फिर हैदराबाद से लेके कराची तक तकरीबन 2.5 घंटा।
तो ये ऐसे करके 3-3.5 घंटे हैं अभी भी कराची पहुंचने में, और उसके बाद ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन यानी कराची की तरफ होगी और हम भी जैसे जैसे हैदराबाद कराची करीब होते जा रहे हैं, मौसम ठंडा हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है पटना रोडी जंक्शन पर और इसके अतराफ में काफ़ी गर्मी थी। दोस्तों डेरो लाल रेलवे स्टेशन से पास तो हो रहे हैं, केलो के बागात को चीरती हुई 36 टाउन सर सैयद एक्सप्रेस अपने ML1 के ऊपर रवाना हुआ है कराची की जाने। रेलवे स्टेशन भी आ गया है और उसके आउटर में हमारी मुलाकात हो रही है एक फ्रेट ट्रेन से जियो बॉडी लीड कर रहा है। रेलवे स्टेशन और हाल ही में मैं गर्मियों में आया था यहाँ पे जब गर्मियों में छुट्टियाँ थी, तो और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि वो वाली जो लाइन है वो लाइन है कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली 151 अप एंड 149 अप मैराना एक्सप्रेस शारतीब एक्सप्रेस की लाइन, और ये एक ब्रांच लाइन है हैदराबाद और हैदराबाद ब्रांच लाइन जो मीरपुर खास तक जाती है।
उससे आगे उमरकोट सर पार कर तो, और इस वक्त हमारा यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि आगे हैदराबाद जंक्शन है तकरीबन 5 से 6 मिनट की दूरी पर, और उसके बाद फिर हम आ जाके स्टॉप करेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट का स्टॉप होगा। और आगे हमारे खड़ी हुई है इस वक्त सोलो डाउन कराची एक्सप्रेस, इसकी वजह से हमें रोक दिया गया है। तो अब आगे चलते हैं और जो भी होगा वो आपके सामने है। वैसे तकरीबन आधा घंटा लेट है और मज़ीद देखते हैं और कितना लेट होता है। तो चलें चलें भाई, ये तो डुअल एक्शन हो गया। सामने बिल्कुल स्प्रे ट्रेन के पीछे खड़ी हुई है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 27 और शालीमार एक्सप्रेस, और इसके आगे खड़ी हुई है। अब वजह नहीं पता क्या बनी है क्योंकि स्काई कोई ट्रेन भी नहीं गई, अगर ट्रेन गई होती तो फिर वो हम कैप्चर ज़रूर करते। अब देखते हैं क्या रीज़न होगा। इसके पीछे 82 के साथ खड़ी हुई है 27 और शालीमार एक्सप्रेस, और हम इस वक्त खड़े हैं डेथा पर, और हमारे आगे है कराची एक्सप्रेस। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है आज की, तो मुझे सफ़र का बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ मुँह है कहाँ पाऊँ। बहरहाल हैदराबाद सामने ही है तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर, और वहाँ उतर के फिर आगे का अपन हम लोग इंजन में ट्रैवल करेंगे, तो फिर वहाँ से जो भी मनाजिर होंगे वो आपके सामने होंगे। तो बहरहाल कराची यानी थोड़ा इंटीरियर सिंस से आके थोड़ा दूर आके थोड़ा गर्मी से छुटकारा मिला है, वरना तो बहुत गर्मी थी, कल पसीने नहीं रुक रहे थे। चले खैर, ये तो होता रहता है। तकरीबन 10:30 बजे पहुँच रहे हैं, 11 बजे पहुँच रहे हैं, तो आधा घंटा हम भी लेट हैं। सही है वैसे तो, आगे सोलो डाउन चल रही थी और इतने कम वक्त में इतने इतना टाइम कवर कर लिया है, बड़ी बात है। एक्शन मिल गया ZU30 के साथ से 13 अप अवाम एक्सप्रेस आ रही है कराची और पिशावर के दरमियान चलने वाली, हैदराबाद से स्टॉप करके निकली है। मंजिल है इसकी, मंजिल है इसकी टंडो आदम 6323 ZU।
हैदराबाद जंक्शन पर अराइवल कर रहे हैं 11:10 पर, और जो प्लेटफॉर्म है उसको नंबर 1 पे लिया है, 36 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया जा रहा है और आपके सामने ही है। जंक्शन पहुंच गए और अब आगे इंजन की तरफ चलते हैं। ले जी फाइनली पहुंच गए हैदराबाद जंक्शन। बरास्ता फैसलाबाद